हेलो एमएससी बॉटनी स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यानी कौन कौन से टॉपिक आप सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन सा पेपर होगा प्रैक्टिकल का क्या रोल होगा और टोटल मार्क्स कितने होंगे इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ तो आप लोग चैनल के अंदर जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस वीडियो में मैं सेकेंड सेमेस्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है सेकेंड सेमेस्टर बीच में लिखा हुआ है कोर्स टाइटल उसके बाद लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ये जो सेकेंड सेमेस्टर है इसमें अंदर आप देखेंगे कोर्स फाइव यानी इससे पहले सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हम चार कोर्सेज पढ़ चुके हैं यानी चार पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं इसमें कोर्स फाइव है यानी कि सेकेंड से स्टार्ट होता है वो है एच टू जीरो जीरो वन अब ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ये कोड हो सकता है सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में फर्स्ट पेपर आपका टोटल हंड्रेड मार्क्स कैरी करता है पचास नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा पचास नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा इंटरनल एग्जाम में बेसिकली ये कॉलेज के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है एक्सटर्नल एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है तो ये टोटल आपको हंड्रेड में से आप जितने भी मार्क्स कैरी करेंगे वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग इंटरनल में चालीस नंबर अगर ले आते हैं और एक्सटर्नल में चालीस नंबर ले आते हैं तो टोटल सौ में से आपके हंड्रेड नंबर बन जाएंगे तो आप लोग ट्राई करें कि इंटरनल इंटरनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट इंटरनल एग्जाम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं जिसकी वजह से उनका कम परसेंटेज रह जाता है तो इंटरनल एग्जाम में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और एक्सटर्नल एग्जाम में भी इस प्रकार से आप लोग अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाएगी इसके बाद देखिए कोर्स सेकेंड कोर्स यहाँ पर है इसके बाद है कोर्स सिक्स यानी कि आपका सेकेंड पेपर है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी जिसमें आपका जो कोर्स कोड है यानी पेपर कोड है वो है एच टू जीरो जीरो टू इसमें भी टोटल ये भी हंड्रेड मार्क्स कैरी करता है पचास नंबर का इंटरनल होगा पचास नंबर का एक्सटर्नल होगा पेपर थर्ड है आपका जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ये भी पचास नंबर का इंटरनल पचास नंबर का एक्सटर्नल तो इस प्रकार से आपने देखा टोटल चार पेपर है आपका चौथा पेपर है आपका एनाटोमी एंड रिप्रोडक्शन इन एनजीओसपम इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल चार आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे जिसमें पचास पचास नंबर के वहाँ पर इंटरनल एग्ज़ाम और पचास पचास नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा यहाँ पर जो पाँचवा पेपर है आपका वो आगे आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर पाँचवा पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि पूरे हंड्रेड मार्क्स कैरी करता है यानी प्रैक्टिकल को भी आपको सीरियसली लेना है इस प्रकार से आपका जो पूरा सेकेंड सेमेस्टर है वो पाँच सौ नंबर का होगा फाइव हंड्रेड मार्क्स का होगा जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में फाइव हंड्रेड का मार्क्स का देखा था इसी प्रकार से, से भी मार्क्स का होगा। अब हम डिस्कस करते हैं से, यहां पर सेमेस्टर के के सिलेबस बारे में। स्टूडेंट फंगल बायोडाइवर्सिटी एंड एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी फर्स्ट पेपर है इसमें इस सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर आप पढ़ते हैं जनरल सेल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फनजाई यानी कि फनजाई के बारे में काफ़ी डिटेल में आप पढ़ते हैं इसमें बेसिकली सिक्सटी परसेंट वही होता है जो आपने बीएससी में पढ़ा पढ़ा होता है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आठवें पॉइंट में लिखा हुआ है हिटीरो थैलिज्म हिटीरियो केरियोक्सिस फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इन फनजाई ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे ये एग्जाम पेपर में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं तो जिस प्रकार से यूनिट फर्स्ट के अंदर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फनजाई ये सब पढ़ाया जाता है रेंज ऑफ थैलेस पढ़ाया जाता है यूनिक एस्पेक्ट फंगल सेल्स मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ फनजाई टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फनजाई उसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो एनस्वर्थ का होता है एक एलेक्सोपोलस का होता है ये दोनों क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं सब फनजाइ से रिलेटेड है यूनिट फर्स्ट के अंदर इसके बाद आता है यूनिट सेकंड यूनिट सेकंड में आप देखेंगे ए जनरल अकाउंट ऑफ एफिनिटीज ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स विद ए स्पेशल रेफरेंस टू सिस्टमेटिक पोजिशन स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हर अंडर हेयर अंडर आप ध्यान से देखेंगे द द बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पर भी फनजाइव से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं जिसमें कुछ फंजाई के एग्जांपल्स उनकी लाइफ साइकिल को आपको पढ़ाया जाएगा मिक्सोमाइकोटा जिसमें ये सारे के सारे फंजाई के नेम आप देख सकते हैं तो यानी कि यहाँ पर जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं सब के सब फंजाई की लाइफ साइकिल और उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है इन सभी का आप स्क्रीन ले सकते हैं इसके बाद आता है यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड के अंदर आप पढ़ते हैं फंगल इंटरेक्शन जिसमें रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स हाइफल इंटरफेरेंस एंड माइक्रोपैरासीजम ये सारे टॉपिक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट थर्ड के अंदर जो कि एम एस सी बॉटनी के अंदर फाइव नंबर में आप आते हैं कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं फंजाई एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह मैं आपको बता देता हूँ इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑन फिजियोलॉजिकल होस्ट फिजिलॉजी ऑफ होस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप रोल ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन इन डिजीज़ डेवलपमेंट तो ये यूनिट थर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि टेन जो पॉइंट लिखा हुआ है इसी में ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बाद आता है यूनिट फोर यूनिट फोर में है नंबर सेवनटीन पॉइंट पे देखेंगे डिजीज़ कंट्रोल बाय फिज़िकल मेथड केमिकल मेथड क्रॉप रोटेशन प्लांट क्वारंटाइंस रेजिस्टेंस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बाद आता है यूनिट फाइव यूनिट फाइव के अंदर जो फंजाई होते हैं वो जो डिजीज़ कोर्स करते हैं उसके बारे में स्टडी कराया जाता है इटियोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स डिजीज़ जो क्रॉप में होने वाली डिजीज़ है जो कि फंगल की, की वजह से होता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है ये सब आपके थोड़ा बीएससी से डिफरेंट होता है बीएससी में जो जिस फंजाई की लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है इसके बाद आप, आपका आता है सेकेंड पेपर सेकेंड पेपर है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट यूनिट फर्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं द डायनेमिक सेल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट सेल स्पेशइज प्लांट सेल के बारे में आप पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपी प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी का आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं ये सारा इंपॉर्टेंट सिलेबस के अंदर आता है यूनिट सेकेंड में आप ध्यान से देखेंगे प्लांट सेल इंक्लूजन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियो प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रोमोजोम स्ट्रक्चर कंपोजिशन ये सब टॉपिक आप पढ़ते हैं यूनिट सेकेंड के अंदर ये है यूनिट थर्ड जिसके अंदर राइबोसोम डिक्टियोसोम लाइसोसोम यानी जो भी सेल ऑर्गेनली होते हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है यूनिट फाइव यहाँ पर उसके बाद आता है यूनिट फोर जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं इन सभी को आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि जब आप एम एस सी में पढ़ते हैं बी एस सी में बेसिकली उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता जितना कि एम एस सी में पढ़ाया जाता है एम एस सी में जैसे यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है तो उसके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उन सभी को काफ़ी डिटेल में आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड नेचर स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ डी एन ए बी जेड डी एन ए एंड आर एन ए ट्रांसफर एंड माइक्रो आर एन ए सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं यूनिट फाइव यूनिट फाइव में प्रोटीन सिंथेसिस बेसिक मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए प्रोसेसिंग एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब लोग आप पढ़ते हैं इसके बाद आता है आपका पेपर थर्ड पेपर थर्ड है आपका जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें जेनेटिक्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको मेंडल्स लोग कवर किए जाते हैं जैसे आपने बीएससी में पढ़े होंगे बट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ाया जाता है काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है इसके बाद यूनिट सेकंड में लिंकेज क्रॉसिंग ओवर क्रोमोजोमल रिपेयरिंग ये सारे जो टॉपिक है सेक्स डिस्टर्मिनेशन ये सब आप लोग पढ़ते हैं यूनिट थर्ड के अंदर आप देखेंगे बायोकेमिकल जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोजोम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप ऑलरेडी बी के अंदर आपको आइडिया मिल जाता है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं क्रोमोजोमल एब्रेशनस होते हैं उनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैपोमिक्सिस ये सारे टॉपिक इसी के अंदर आपको पढ़ाया जाते हैं यूनिट फोर यूनिट फोर के अंदर आप पढ़ते हैं म्यूटेशन के बारे में टाइप ऑफ म्यूटेशन स्पॉन्टेन्यूस एंड इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में फिजिकल एंड केमिकल म्यूटाजींस के बारे में पढ़ते हैं आप जीन म्यूटेशन के बारे में मतलब ये जो म्यूटेशन से रिलेटेड टॉपिक है ये सब आप यूनिट फोर के अंदर पढ़ते हैं यूनिट फाइव में आता है आपका प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग से आप देख सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्लांट ब्रीडिंग क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इस पेपर को इस पेपर का नेम है साथ, जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और यूनिट फाइव के अंदर पहुंचाया है प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग से एक लॉन्ग क्वेश्चन और दो एक शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम पेपर में दिया जाता है मैथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स बेसिस ऑफ इन ब्रीडिंग ये सारे टॉपिक्स आप लोग जितने भी देख रहे हैं ये सब आपके सिलेबस के अंदर है तो आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए ये है आपका पेपर फोर एनाटोमी एंड रिप्रोडक्शन इन एनजीओ तो इस प्रकार से टोटल चार पेपर हैं आपका एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन इन एनजियपम के अंदर सबसे पहले आप प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं जिसमें शूट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम जिसमें सारे टॉपिक्स आप लोग कवर करेंगे जितने भी आप लोग देख रहे हैं यूनिट सेकेंड के अंदर इपिडर्मल स्ट्रक्चर्स एंड ओटोजेनी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा ट्राइकोम्स ये सारे जो टॉपिक हैं फ्लोएम जाइलम वस्कुलर बंडल वगैरह ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं यूनिट थर्ड के अंदर आप पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इसमें से कुछ तो आपको बीएससी में ही मिल जाएंगे बीएससी से रिलेटेड भी होते हैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है एमएससी में फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स फ्लोरल डेवलपमेंट मोलिकुलर बेसिस ऑफ़ फ्लोरल ऑर्गन्स डिटर्मिनेशन मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेमिनस ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग मेगा स्प्रेंजियम फीमेल गेमिटोफाइट एंड एंथर के बारे में पोलेंस के बारे में इसके बाद आता है आपका यूनिट फोर यूनिट फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आपको जो थर्टीन पॉइंट में जो लिखा गया है सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक इट्स जेनेटिक बेसिस मोलिकुलर एस्पेक्ट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बैरियर्स टू फर्टिलाइजेशन मैथड्स ऑफ ओवरकम इनकम्पेटिबिलिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसके बाद बचता है आपका यूनिट फाइव यूनिट फाइव के अंदर आप पोली एम्ब्रियोनी कॉजेस क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन ये सब पढ़ते हैं एंडोस्पम के बारे में उसके डेवलपमेंट के बारे में टाइप्स के बारे में स्टूरिया के बारे में मोजेक एंडोस्पम सारे टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीड एनाटोमी एपोमिक्सिस पार्थेनोकारपी टाइप्स ऑफ एंड इम्पोर्टेंस तो ये जो आपका पूरा सिलेबस था ये था सेकेंड सेमेस्टर का जिसके अंदर हमने चारों पेपर का सिलेबस आपको दिखाया और आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका सिलेबस और इसके सिलेबस रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को आप लोग अच्छे से कवर करेंगे तो ये था हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस जिसमें चार पेपर हमने के सिलेबस हम देख चुके हैं फंगल बायोडाइवर्सिटी एंड एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और फोर्थ पेपर है आपका एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन इन एनजीओसपम इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल को भी अच्छे से फोकस करें क्योंकि प्रैक्टिकल हंड्रेड मार्क्स का होता है थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टा